29 जून 2020 दोस्तों ये वो दिन था जब हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और 59 ऐप्स को जो कि चाइना से बिलोंग करते थे उसको इंडिया के अंदर बैन कर दिया। उसमें से जो सबसे बड़ा ऐप था वो था टिकटॉक। दोस्तों कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ी जल्दबाजी की हुई टिकटॉक को बैन करने में, क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं तो यूएसए में टिकटॉक बैन नहीं हुआ है जो कि न्यूज में चल रहा है। दोस्तों यूएसए ने टिकटॉक को खरीदने की बात कर दी है। यूएसए में जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है उन्होंने टिकटॉक कंपनी जो कि उसके पैरेंट है उनका नाम है बाइट डांस, जो बाइट डांस कंपनी ने ही टिकटॉक को बनाया हुआ है। तो बाइट डांस कंपनी से बात करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा है कि जो हमारे कंट्री के टिकटॉक यूजर हैं उनकी जो डेटा प्राइवेसी है वो हम अपने पास ही रखेंगे, ना कि किसी अदर कंट्री से शेयर करेंगे। अगर आप इन सब बातों को मानते हैं तो हम टिकटॉक को यहाँ पे बैन नहीं करेंगे। बट हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस बात को मना कर दिया और बोला कि हम टिकटॉक को बैन करके ही रहेंगे। ये बात सैटरडे को टिकटॉक ने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो हायर कर रही है टिकटॉक को और फिर वो जो डेटा प्राइवेसी है वो अपने ही पास रिजर्व करके रखेगी, उसका जो सेंटर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट के पास ही होगा। बट दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मंडे को ही बोला कि वो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे और वो टिकटॉक को बैन करके ही मानने वाले हैं। तो दोस्तों हमने बहुत जल्दी बाजी कर दी और इस टिकटॉक को बैन कर दिया इंडिया में। अगर हम भी शायद कोशिश करते थे तो टिकटॉक का जो यूजर है, जो डेटा प्राइवेसी है, उसको भी हम अपने कंट्री में स्टोर कर पाते थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी बात हो सकती है कि टिकटॉक को वापस से शुरू किया जा सकता है अगर हमारी कंपनी इस बात को मान जाती है कि जो भी डेटा प्राइवेसी है वो हम अपनी कंपनी तक ही, अपने इंडिया तक ही स्टोर करेंगे, जो भी हमारे टिकटॉक के यूजर थे। तो दोस्तों इसके बाद 27 जून 2020 को इंडिया ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 47 ऐप्स को और बैन कर दिया हमारे इंडिया में। इंडिया में 47 ऐप्स को बैन करने के बाद अब हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी नजर है, जो सबसे बड़ा उनका जो टारगेट है, अब है 275 ऐप्स जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 250 से ज्यादा ऐपों को अब इंडिया में बैन करने की बात की जा रही है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो कि सबसे बड़ा ऐप निकल के आता है वो है पबजी। जी हाँ दोस्तों, पबजी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा गेम बन चुका है, ऑनलाइन प्ले गेम बन चुका है, जो कि हमारे इंडिया में लगभग 17.5 करोड़ लोग इस गेम को खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अगर टोटल ओवरऑल बोला जाए तो 24% हम पूरे वर्ल्ड वाइड में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और 38.6 मिलियन रेवेन्यू जनरेट होता है इंडियन के द्वारा। तो सोचिए दोस्तों, अगर इंडिया ने इस ऐप को बैन कर दिया कितना ज्यादा लॉस हो सकता है चाइना को। तो जैसा कि दोस्तों आप सबके माइंड में एक सवाल होगा, क्या पबजी चाइना ऐप है? जैसा कि हम सबको पता है कि जो पबजी ऐप बना हुआ है वो साउथ कोरियन के द्वारा बनाया गया है। साउथ कोरिया में एक ब्लू होल करके कंपनी है जिसके द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। तो क्या दोस्तों जब ये चाइना से बिलोंग नहीं करता तो इस ऐप को हम बैन कर सकते हैं? तो दोस्तों हमारा सुधा गलत होगा, क्योंकि इस ऐप ने पार्टनरशिप किया हुआ था चाइना के साथ। जब ये पहले गेम बनाया गया था ब्लू होल के द्वारा तो ये केवल पीसी में खेला जाता था, बट चाइना के साथ पार्टिसिपेट करने के बाद एक न्यू वर्जन निकल के आता है जिसको एंड्रॉइड फोन में भी खेला जा सकता है इस पबजी गेम को। जी हाँ दोस्तों, पबजी गेम की बात कर रहा हूँ तो पबजी गेम हमारे इंडिया में बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुका है, इसके लोग बहुत ही ज्यादा एडिक्शन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये ब्लू होल के द्वारा साउथ कोरिया बनाया गया तब ये केवल पीसी में खेला जाता था। पार्टनरशिप के बाद चाइना ने एक न्यू वर्जन बनाया और इसको अब एंड्रॉइड फोन में भी खेला जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा रेवेन्यू अगर हमारे इंडिया के साथ अगर जनरेट कर पा रहे हैं, अगर इंडिया ने इस ऐप को बैन कर दिया तो कितना ज्यादा लॉस हो पाएगा दोनों ही कंट्री को। दोस्तों पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप में जो ब्लू होल के साथ मिले थे उनका नाम था टेंसेंट। तो टेंसेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के बाद टेंसेंट कंपनी ने मोबाइल वर्जन अपडेट किया और उसे पूरे वर्ल्ड में फैलाया। जी हाँ दोस्तों, इस टेंसेंट ने जब मोबाइल वर्जन को बनाने के बाद 10% का ब्लू होल को भी पार्टनरशिप में रखा। दोस्तों ये बात आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो पबजी गेम है ये केवल वर्ल्ड में खेला जाता है, बल्कि जिस कंट्री ने इसे डेवलप किया था, जैसे कि हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में ही इसे नहीं खेला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने पबजी को वहां पे बैन करके रखा हुआ है। उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से पबजी गेम को डेवलप किया गया है, इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है, जो कि हमारे लॉ के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि एक इंसान एक इंसान को मारने के बाद उसकी जो इमोशन सिस्टम होंगे वो अलग अलग सेट होंगी, ठीक है, और इनके हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे ना कि पढ़ाई पे, ना कि स्टडी, ना कि करियर पे फोकस करके वो इस गेम पे फोकस करते हैं और 24 आवर्स इस गेम को खेलते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय लगाते हैं इस गेम को खेलने में।
जी हाँ दोस्तों, इसलिए चाइना ने इस ऐप को वहाँ पे बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी सोच है जो कि चाइना के द्वारा अपने स्टूडेंट अपने यूथ के लिए सोची जा रही है। इसके बाद दोस्तों ब्लू होल कंपनी ने बोला, क्या हम अगर इस चीज को हटा देंगे जिस तरह से आप चीजें बता रहे हैं, अगर इन चीजों को हम चेंज कर देंगे तो क्या चाइना में इस गेम को इम्प्लीमेंट करने देंगे? जी हाँ दोस्तों, इसके बाद कंपनी ने अप्रूवल दे दिया कि आप इस चेंज के जो जो, जो चीजें हमने बताई, अगर आप उन चीजों को चेंज कर देंगे तो इस गेम को हम चाइना में चलने देंगे। बट इससे पहले टेसेंट कंपनी ने एक गेम पबजी को ही चेंज करके इसका नाम रखा गेम फॉर पीस। जी हाँ दोस्तों, गेम फॉर पीस ये सिर्फ और सिर्फ चाइना में चलने वाला गेम है। नाम से ही पता चलता है कि ये कितना ज्यादा एक धार्मिक जैसा लगता है, कि सोच बदलने वाली गेम लगती है। गेम फॉर पीस इस गेम में होता यह है दोस्तों कि इसमें हमें आतंकवादियों को मारना होता है, ना कि एक दूसरे को ढूंढ के मारना होता है। इसमें एक आर्मी होती है और वो आर्मी दूसरे आतंकवादियों को ढूंढ के मारती है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज चेंज हुआ है कि जब सामने वाला जो आर्मी होता है जो ह्यूमन होता है, जब वो मरता है तो वो अपना बैग आगे की तरफ रखता है और इस तरह से बाय का सिंबल दिखाता है और फिर वो गायब हो जाता है। इससे दोस्तों एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है यूथ के ऊपर और फिर वो ज्यादातर इन चीजों से भटकते नहीं है। और की और दोस्तों, यहाँ तक कि टेसेंट कंपनी ने लिमिटेशन भी लगा दिए कि 24 आवर्स जो बच्चे गेम पे ज्यादा फोकस करते थे, अब वो फोकस स्टडी पे भी करेंगे। कैसे, आइए दोस्तों जानते हैं। तो इस तरह से कि अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप सिर्फ 4 घंटे ही उस गेम को खेल पाएंगे। अगर आप 18 साल के हैं तो आप उस गेम को 6 घंटे तक खेल पाएंगे, उसके बाद वो गेम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और फिर 6 घंटे बाद ही स्टार्ट होता है। तो दोस्तों कितना अच्छा इसमें सिस्टम लगाया गया है, इसी तरह से हमें अपने इंडिया में भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बहुत बदलाव लाना चाहिए। आइए दोस्तों अब हम पबजी के बारे में बात कर रहे थे, क्या इंडिया में पबजी बैन होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोस्तों जब हमने पबजी को बैन करने की बात कही तो वहीं पे चाइना के द्वारा और साउथ कोरिया के द्वारा ये बात निकल के आती है कि हम अपने प्राइवेसी डेटा में चेंजेस लाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमने अभी तक जितने ऐप बंद किए, ये हम अपने नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी के लिए ही इस ऐप को बंद करते थे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने आर्मी में भी बहुत सारे ऐपों को बंद कर दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी, क्योंकि दोस्तों उनके पास एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कंट्री से बाहर जाने पे कंट्री के लिए बहुत ही खतरा या खतरे की बात हो सकती है। इसलिए दोस्तों अब हमारे इंडिया ने जब ये बात बताया है कि हमें अपनी डेटा प्राइवेसी पे ध्यान देना है क्योंकि इस पे हाथ है चाइना का, तो चाइना के ऊपर तो हम कतई भरोसा नहीं कर सकते। वहीं पे दोस्तों ब्लू होल ने जो रिप्लाई दिया है वो रिप्लाई ये है कि उन्होंने अपने गेम में एक अपडेट छोटा सा लाया हुआ, उस अपडेट के तहत जो भी डेटा प्राइवेसी होगी, अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमारी जो प्राइवेसी होगी उसका सर्वर इंडिया में ही होगा और हमारी डेटा जो है डेटा प्राइवेसी है वो चोरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इंडिया में ही रहेगी तो इंडिया से किसी अदर कंट्री तक वो डेटा पहुंच नहीं पाएगी। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरह का जब हम गेम डाउनलोड करते हैं उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आता है, वहां पे ये पूछा जाता है कि दोस्तों अगर आप इंडियन हैं तो कंटिन्यू करिए, क्योंकि वहां पे जो डेटा होगी वो अपने हमारे इंडिया में ही सिक्योर हो जाएगी, अगर हम इंडियन नहीं है तो वो डेटा उनके पास चला जाएगा। इस तरह का छोटा सा अपडेट पबजी के द्वारा हमारे इंडिया में लाया गया है। तो दोस्तों पबजी इंडिया में बैन नहीं होगा, अभी तक की न्यूज के हिसाब से तो पबजी बैन नहीं होने वाला है। पबजी को छोड़ के बाकी जितने भी ऐप्स हैं वो शायद बैन हो सकते हैं। तो क्या दोस्तों पबजी ना बैन हो या बैन होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से चाइना ने अपने पॉलिसी में चेंजेस लाए हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से गेम को ड्रॉ किया हुआ है, जिस तरह से गेम को बनाया हुआ है, वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है और वो चाइना में ही बनाया गया है, जो कि टेंसेंट कंपनी ने ही बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ऐप है और एक बहुत अच्छा इफेक्ट लोगों पे पड़ता है। तो दोस्तों हमारे कंट्री को भी सोचना पड़ेगा इन बातों पे और अपने ही फ्यूचर के जनरेशन के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके करियर के बारे में सोचना पड़ेगा। जो कि हमारे बच्चे पबजी को बहुत ज्यादा खेलते हैं, वो कोई लिमिटेशन नहीं होता, उसका इफेक्ट हमारे माइंड पे, हमारे हेल्थ पे पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या इंडिया में पबजी बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर हम अपने यूथ के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। तो दोस्तों मुझे जहां तक लगता है पबजी को बैन करना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों।